तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9 का आपका विज्ञान विषय का पूरा सॉल्यूशन। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर जो कि परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 9 का विज्ञान का सेट ए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट ए का पूरा सॉल्यूशन नोट करेंगे यहाँ से। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा का पूरा जरूर देख लो, ताकि आप सभी को ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार के आपसे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्पों का चुनाव आपको कैसे करना है, न्यूनतम मिश्रण का गुण पाया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम मिश्रण का गुण किस में पाया जाता है, ठोस में। तो यहाँ से आपको ठोस नोट कर लेना है। उसके बाद में अगला लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ से आपको लिख लेना 2 नंबर का ये वाला। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे नंबर का, जिसमें कि लिखा कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर 7 नंबर का ये वाला आ जाएगा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को कहते हैं। तो देखिएगा पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका जड़त्व होगा। उसके बाद में देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक। तो देखिएगा कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जूल के ऊपर चिन्ह लगा लें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखिएगा पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा पहले रिक्त स्थान का राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा, इसमें आपको 3 लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, एक ही प्रकार के अणुओं से बने पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको क्या कहते हैं, एक ही परमाणु से बने पदार्थ को कहते हैं तत्व। तो यहाँ से आप लोगों को तत्व नोट कर लेना है। उसके बाद में क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दिशा में कार्य करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विपरीत। कौन सी दिशा में कार्य करते हैं, ये विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर लिखा कार्य बराबर बल गुणा, तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख लेना विस्थापन। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, विस्थापन इस जगह पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा ध्वनि तरंगे तरंगे हैं। तो देखिएगा ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो यहाँ से आपको लिखना है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लें, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट में उपयोग करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वर्मी कंपोस्ट में उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना केंचुआ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देखते चलें। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे, यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। तो देखिएगा पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका सत्य होगा, इसे भी आप लोग सत्य कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका बिल्कुल असत्य होगा। उसके बाद में छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लें। ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि मैंने आप सभी को बता दिए। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेंगे, जोड़ी का मिलान कैसे आपको पूरा करना है। तो देखिएगा जोड़ी में प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर पे जो जोड़ी लिखी है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है ई से। और उसके बाद में देखिएगा स्वर्ण, स्वर्ण का सूत्र होता है ए यू, इससे कर लेना है। इसके बाद में देखिएगा अगला लिखा है गति का प्रथम नियम, यह न्यूटन ने दिया था, 1 kV इसकी मिल जाएगी जोड़ी इससे। माइक्रोफोन श्रवण सूक्त सहायक युक्ति, राहु एक प्रकार की मछली का है प्रकार है ये। तो इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है घनत्व का मात्रक क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, घनत्व का मात्रक होगा kg और यहाँ पर आपको लिखना है m³। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना ठोस, यहाँ से आपको इसमें ठोस लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, नारियल का रेशा छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना है इसके लिए यहाँ से आपको लिखना, पूरा का पूरा मैं आपको लिखकर बताता हूँ, इसके रे, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है रेन काइमा। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें, इसका नारियल का ऊतक बना रेशा बना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं क्या लिखा है, एक गाड़ी का ऑडोमीटर नापता है। तो देखिएगा एक गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता ना, वो नापता चली गई दूरी को। तो यहाँ से आप लोग लिख लें चली गई
दूरी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखी है। तो देखिएगा पाँच नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा के और ई, और इसके बाद में इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको लिखना है एक बटा दो, उसके बाद में आगे आपको लिखना है एम वी स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा अल्ट्रासाउंड, यहाँ से आप सभी लोग नोट कर लें, अल्ट्रासाउंड इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लें, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया, तो यहाँ से आप सभी लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को नोट कर लेंगे। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में आपसे तत्व एवं यौगिक में अंतर पूछा गया है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और तत्व और यौगिक में अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग तत्व और यौगिक के बीच में अंतर को देख लेंगे। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग नोट कर लें कि तत्व और यौगिक के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोगों को तत्व और यौगिक के बीच में अंतर को नोट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये रहा प्रश्न नंबर 8, जिसमें कि आपसे पूछा गया परमाणु से क्या समझते हो। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें, जिसमें कि आपसे पूछा गया था परमाणु से आप क्या समझते हैं। तो ये इसका उत्तर लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई दो कमियाँ लिखी है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियाँ कौन कौन सी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को लिख लेंगे। पहली कमी ये लिखी गई यहाँ से लेके यहाँ तक, आप लोग इसको नोट कर लें, और इसके बाद में इसे बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद में देखिएगा दूसरी कमी ये लिखी गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10, जिसमें कि दिया गया ऐसे दो अंगकों के नाम लिखिए जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 जो लिखा है ना, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग दो अंगकों के नाम लिखे, केंद्रक और सूत्र कणिका, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, जिसमें कि लिखा गया ऊतक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इसके उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को ये प्रश्न और इसका उत्तर समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेंगे। देखिएगा इसका उत्तर लिखा है, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष प्रकार का कार्य करते हो। तो यहाँ तक का इसका पूरा का पूरा उत्तर है, यहाँ तक का आप लोग देख लें, इसको मत लिखे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपका, जिसमें कि आपसे चाल और वेग में अंतर पूछा गया है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और चाल और वेग में अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग चाल और वेग के बीच में अंतर को देख लेंगे। यहाँ पर आप सभी को चाल और वेग के बीच में अंतर बताया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस अंतर को नोट कर ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इसको परीक्षाओं में लिखकर आ सको। तो चलिएगा अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को और उसके उत्तर को देखते हैं। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं, बताइए। तो देखिएगा चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे, एक खड़ी हुई बस के ऊपर निम्नलिखित बल कार्य कर रहे होते हैं, पहला ये लिखा है, दूसरे नंबर का ये लिखा है, उसके बाद में तीसरे नंबर का ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 लिखा है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को देख लें और इसके उत्तर को भी नोट कर लें। यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो इसके उत्तर को यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे और अच्छे से नोट भी कर लेंगे।
अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोगों को इसके उत्तर को नोट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 16, जिसमें कि लिखा गया प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। तो चलिएगा जानते हैं कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका उत्तर लिखा, पूरा का पूरा उत्तर यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, जिसमें कि आपको बताया गया कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, फसल उत्पादन वृद्धि के कोई दो उपाय लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फसल उत्पादन वृद्धि के दो उपाय क्या क्या है, यहाँ से आपको बताने हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर मैं आपको इसके लिए उपाय बता देता हूँ। तो देखिएगा ये जो आपका प्रश्न नंबर 17 है ना, उसके लिए आपको प्रश्न पॉइंट नंबर 1 डालना है और इसमें आपको लिखना है जैविक खादों का उपयोग किया जाना चाहिए, और उसके बाद में दूसरा नंबर डाल के लिखना है भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको नोट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 जो होगा ना, उसमें आपको सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र आपको लिखने हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इनके सूत्रों को नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इन तीनों सूत्रों को लिख लें। पहले नंबर का सूत्र ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का सूत्र तो ये लिखा आपका, और उसके बाद में देखिएगा दूसरे नंबर का सूत्र ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा तीसरे नंबर का सूत्र ये लिखा गया है। तो यहाँ से आप सभी लोग तीनों सूत्रों को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले सूत्र को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपका, जिसमें कि आपसे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पूछे गए हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इन कोशिकाओं के अंतरों को जानते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर को नोट कर लेंगे। यहाँ पर आप सभी को इनके बीच अंतर बताया गया, तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन अंतरों को नोट कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 20, जिसमें कि आपको बताया गया है कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था में सरल रेखी पथ पर नियत त्वरण में 8.0s तक चलती है, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका उत्तर बताया गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरे के पूरे उत्तर को नोट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। देखिएगा परमाणु की व्याख्या करना, द्रव्यमान की, समस्थानिक की और संवारी की। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपको परमाणु संख्या के बारे में बताया गया है, और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा द्रव्यमान संख्या, और उसके बाद में देखिएगा ये समस्थानिक लिखा है और ये संवारिक लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग नोट कर लें, ये इतना आपका ऊपर वाला उत्तर है, और उसके बाद में देखिएगा दूसरे नंबर में जो पूछा गया वो ये है, तीसरे का यहाँ तक का है और चौथे का ये यहाँ तक का है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छे प्रकार से याद भी कर लें। अब इसके 21 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा इसमें लिखा पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, रेखिक पेशी एवं अरेखिक पेशी को समझाइए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन और इसका उत्तर बता दिया मैंने यहाँ से। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोगों को नोट कर लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सको। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से हम प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया है एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में के ऊपर की ओर 49.49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, परिकलन कीजिए कि अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक गेंद पहुँच सकती है और पृथ्वी की सतह तक वापस लौटने में लगा गया कुल समय। तो इसको आप लोगों को देख लेना। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को नोट करते हैं। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग नोट कर लें, इसमें दो हिस्से थे। जे एक तो देखिएगा गेंद को जाने में जो समय लगता है उसको यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में यहाँ से आप सभी को इसको आने में जो समय लगा, इसको आप लोग यहाँ से गेंद को वापस पृथ्वी पर पहुँचने में जो समय लगा कुल इतना होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।